में प्रश्नावली 8D कक्षा 10 गणित की प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, जो कि सिद्ध कीजिए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। तो दोस्तों RHSL करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 1 है, 1 कॉसेक कब बनेगा जब इसमें साइन का भाग लगेगा, कॉस कॉट कब बनेगा जब साइन का भाग लगेगा। अतः तो हमने RHSL किया, यहाँ पर अंश तथा हार में साइन थीटा से भाग किया, तो हमने अंश तथा हार में साइन थीटा से भाग किया तो एक बटा साइन हो गया, कॉस बटा साइन हो गया, पूरे का बटा है 1 बटा साइन कॉस बटा साइन, माइनस है और ये प्लस है तो प्लस। इसके बाद ए बटा साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, साइन बटा कॉस बटा साइन कॉट थीटा होता है, इसी तरह से नीचे भी। हमने क्या किया, हर का परिमेयीकरण कर दिया। हर का परिमेयीकरण क्या होता है कि जो हर होता है अंश और हर, हर में जो बीच की का चिन्ह होता है उसको बदल कर ऊपर और नीचे गुणा करना, तो यहाँ पर हमने वही किया जो हमने ये कार्य किया। तो यहाँ पर बन गया, ये देखिए a माइनस b, जब गुणा होगा तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस b a माइनस b की तरह बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह बन जाएगा, जो बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, ऐसे रख देंगे। इसका मान होता है एक, होता है सरल संख्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। इसका मान हो गया एक, तो एक बटे में है, इसका कोई मतलब नहीं होता, तो हमारे पास बचा ही है और यही हमको सिद्ध करना था।